हेलो हेलो, तो चलिए चलेंगे फिर से एक बार मुकाबले की तरफ। यहाँ पर कोतलवाड़ी क्रिकेट से ग्रुप नेरल्स प्रीमियर लीग में सभी का तहे दिल से स्वागत, क्योंकि आयोजन करता हूँ। देखिए खास करके हर किसी का यहाँ पर योगदान है। यहाँ पर कोतलवाड़ी क्रिकेट ग्रुप का देखिए आयोजन करता हूँ की भूमिका नेरल प्रीमियर लीग में। देखिए सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलेंगे मैच की तरफ। देखिए यहाँ से आज का दिन का बात करेंगे, सेकेंड मुकाबला देखिए जहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे। तो यहाँ पर नेरल सुपर जेंट्स टॉस जीतकर फील्डिंग चुने हैं और बल्लेबाजी के लिए नेरल वॉरियर्स को देखिए यहाँ पर सौंपा गया है। और सलामी बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ से भाऊ राठौर शुभम चंचे देखिए पर बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। पिछले साल के देखिए रनर अप टीम है नेरल वॉरियर्स टीम देखिए, लेकिन देखते हैं इस साल इस सीजन क्योंकि खिलाड़ी को काफी अभ्यास हो चुका है, मैचेस काफी खेल चुके हैं। इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेले, मिड ऑन पर देखिए फील्डर बहुत बढ़िया यहाँ पर गेंद को रोके। कारण है इसके पीछे देखिए यहाँ पर फील्ड देखो ग्राउंड है ना बहुत सपाट है, बहुत बढ़िया बनाया गया है, रोलिंग किया गया है, काफी अच्छा मेहनत लिया गया है, मजा आएगा खेलने में। खास करके देखिए आज थोड़ा मुकाबला देर से शुरू हुआ, ये दोपहर की कड़ी धूप है, ये एक दो घंटा जो दो तीन मैच है ना, लेकिन उसके बाद देखिए दोपहर के तीन बजे के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ पर खेलने के लिए। और शाम के समय जो दो तीन मैच रहेगा उसमें और मजा आएगा, थोड़ा हल्की सी हवा चलेगी, थोड़ा सा धूप की जो तेज गति वो कम हो चुका होगा, फिर माहौल बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ से तो सिर्फ मन यही करेगा नींबू के पानी पीते रहिए और गेम को आगे चलाते रहिए। पीयूष बाबरे देखिए बात करेंगे, जुड़ेंगे आपको यहाँ से सेकंड इनिंग की तरफ। बढ़िया उभरते हुए सितारे, उम्मीद करते हैं ऐसे आगे बढ़े। और काफी जल्दी देखिए पीयूष बाबरे आपने काफी कुछ चीजें सीखने को मिल चुके हैं। आपके पास देखिए इंग्लिश अंग्रेजी में भी बोलने के लिए शब्द है, मातृभाषा मराठी, राष्ट्रभाषा हिंदी, और उसके साथ देखिए पूरी तरह से जिस तरह की आपको देखिए ये सबसे बड़ी बात है, काफी जल्दी आपको यहाँ पर देखिए उद्घाटन के लिए मौका आपको मिल रहा है मेहमान नवाजी के लिए, ट्राई शरी मैने के लिए। अक्सर कम कमेंटेटर को ऐसे मौका मिलता है, वक्त बहुत जाता है, लेकिन आपको काफी जल्दी बहुत बढ़िया चीजों का यहाँ पर मिल रहा है, सही इस्तेमाल भी आप कर रहे हो। आने वाले भविष्य में एक चीज को मुझे गौर रखना, मैंने इसलिए उस दिन कहा कि दूसरे आप ओमकार शेट्टी ये चलिए भाई यहाँ पर हो क्या शॉर्ट लेग को बीट किया और लॉन्ग लेग के रीजन पर चार रन आता हुआ बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स पर। भाई बाबू राठौर देखिए बात करेंगे, एनपीएल 3 की बात करेंगे, राइजिंग स्टार एनपीएल 4 की बात करेंगे, मैन ऑफ द सीरीज क्या बात है, छोटा हाइट बड़ा फाइट। राठौर देखिए मैन ऑफ द सीरीज है सीजन 4 के और सीजन 3 के, देखिए राइजिंग स्टार देखिए, हाइट छोटा फाइट बड़ा। इसलिए तो कहता हूँ क्रिकेट में किसी की हाइट को मत देखिए, उसकी शकल को मत देखिए, उसकी अकल को मत देखिए, क्योंकि क्रिस गेल का भी शकल बहुत बेकार था लेकिन कितना डेंजर था। इसलिए किसी की शकल को देखकर, उसकी हाइट को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए, उसके अंदर काबिलियत क्या है, उसके अंदर फाइट क्या है, उसके अंदर हुनर क्या है, ये सोचिए। गेंदबाज के लिए गेंदबाज तैयार है, मकरत गेंदबाज देखिए कितनी ताकत लगा रहे हैं, आवाज ही क्या तेज रफ्तार के गेंदबाज, सोहेब अख्तर लीजिए, ब्रेटली लीजिए, मिचेल जॉनसन लीजिए, इस तरह की आवाज जब अतिरिक्त कंधों का करना पड़ता है इस्तेमाल बहुत बढ़िया। देखिए एबलेन बहुत बढ़िया बनाया गया है खिलाड़ियों के लिए, मेहमानों के लिए, दर्शकों के लिए। किनारा लिया, बाहरी किनारा यहाँ पर विकेट कीपर को चकमगाया, उसके साथ देखिए फर्स्ट श्रीफ को भी बीट किया और आता हुआ चार रन।
क्या बढ़िया देखिए पर टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ से 11 रन बन चुका है। 11 रन देखिए यहाँ पर ओवर नंबर बात करेंगे दूसरी ओवर की देखिए बात करेंगे यहाँ से आखिरी गेंद फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है। ओहो इस बार देखिए गेंद को खेला हल्के हाथों से जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से एक रन बड़ी आसानी के साथ है। और जहां पर बात करेंगे ना दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है दो ओवर की समाप्ति के बाद डीजे रोशन और मंगेश बहुत बढ़िया देखिए इनका साथ लिया जाएगा जब जब वक्त समय मिलेगा। और टोटल की बात करेंगे देखिए टीम का टोटल पहुंचा है यहां से टेस्ट में 400 रन बनाने वाले ब्रेन लारा और रन है देखिए यहां से 12 और गेंद भी समाप्त हुआ है 12 बचा है यहां से देखिए 18 गेंद और नेरल इंडियंस और उसके साथ देखिए अगला मैच है जो नेरल लायंस के बीच में देखिए मैच है। चलिए दोनों कप्तान तैयार रहना होगा जैसे इनिंग का समाप्त होगा टॉस किया जाएगा नेरल इंडियंस और नेरल लायंस के बीच में देखिए इनिंग से अंतर टॉस खेला जाए दक्षिण यहाँ पर कप्तान फिर से एक बार तैयार एक रन देखिए आते हुए एक एक रनों से देखिए टोटल को आगे बढ़ा रहे हैं ये भी अच्छी सोच है क्योंकि पिछला मैच देख लीजिए 59 रनों का टारगेट से मुश्किल बन गया। एक समय देखिए समीकरण बदल गया था जब 3 गेंद के पर 14 का जरूरत था लगा था कि मैच में कुछ रन आएगा लेकिन उसके बाद देखिए गेंदबाजों ने अच्छे काम किए। देखिए इस विकेट में बात करेंगे ना बल्लेबाज को काफी मदद मिल रहा है लेकिन गेंदबाज को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साथ मिलता हुआ बहुत बढ़िया। देखिए मैदान के यहाँ पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रीजन पर देखिए पेड पर बैठ कर छांव में इत्मीनान के साथ मैच का मजा लेते हुए खास करके देखिए बात करेंगे मार्च के महीना आ रहा है और मार्च के महीना में देखिए गर्मी शुरू हो जाती है लगभग देखिए यहाँ पर डे जो मुकाबला है ना धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है लेकिन कुछ प्रीमियर लीग और हवा में गेंद बढ़िया कैच यहाँ पर देखिए बल्लेबाज को आपको तैयार रहना होगा जैसे विकेट गिरता है लेकिन तीसरा ओवर का खेल देखिए अभी यहां से इस ओवर के बाद समाप्त हो जाएगा तो तैयार रहना होगा ड्रिंक्स लेकर आपको। और इस बार भी देखिए बाहर ही यहां पर लीडिंग एज लिया और कहते हैं ना जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर विकेट कीपर को वेट करके 4 रन आता हुआ देखिए क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए बता रहे हैं सीजन 4 सीजन 3 में हम क्यों स्टार थे। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार ओहो उड़ाया वार रे वाह यहां पर हटा सावन की घटा और एक बाऊ राठौर के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन
ज्यादा वक्त मत लीजिए भाई, ड्रिंक से देखिए अंपायर भी बता रहे हैं, पानी पी लीजिए और बाहर आ जाइए जो दोबारा खिलाड़ी के रूप में उतरे हैं। तो चलिए बात करेंगे, तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है, तीन ओवर की समाप्ति के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 23 रन है, लेकिन बाबू राठौर देखिए बता रहे हैं सुबह भी जिंदा है, शाम अभी जिंदा है, क्योंकि मैदान के अंदर बाबू राठौर अभी जिंदा है और तब तक के लिए कहेंगे रनों की बरसात भी जिंदा है। लेकिन बचा है 12 गेंद, रनती 12 गेंद के पर टॉस जीते थे। यहाँ पर देखिए बात करेंगे खास करके नेरल सुपर शेन टीम देखे यहाँ पर, और वो भी उम्मीद रखे होंगे, कहते ना रख भरोसा खुदी पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। तो देखते हैं रास्ता कितना आसान रहेगा कितना मुश्किल रहेगा। टोटल देखिए बात करेंगे वही 23 रन, देखिए जितनी बार भी टोटल बता दो टेनिस क्रिकेट में देखिए हमेशा प्रेशर रहता है, दिमाग से हट जाता है हर चीज, हल्की हाथों से खेला, अच्छी सोच है यहाँ पर, जब भाऊ राठौर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे तो यहाँ पर जरूरत नहीं, यहाँ पर ओ करीबी मामला हो सकता था। हेमंत चंचे देखिए यहाँ पर अकाउंट्स खोलता हुआ दोनों के साथ, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना यहाँ से डीजे देखिए बहुत बढ़िया अच्छा आपका साउंड सिस्टम, तीसरा मैच में तीसरा इनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ, लग नहीं रहा एक समय के लिए इतना, फिर भी अपनी आवाज में दम नहीं है, लेकिन आपके साउंड में बहुत बढ़िया था। मैं सलमान जी नजीद सर से इसलिए मैंने जिक्र किया था, बात किया था, शायद उन्हें तीसरे कोई कमेंटेटर ने फंसाया, निश्चित रूप से कोई बात नहीं, होता रहता है इंसान की जिंदगी में, हमेशा मुश्किलें आता रहता है, लेकिन फिर भी देखिए हमें मुश्किलों से लड़ना हमारी काम है, पीछे हट गई तो फिर पीछे रह जाओगे। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ओह किनारा लिया पर दो फील्डर के बीच से देखिए यहाँ पर, और जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपना काम को देखिए तमाम करते हुए। लाजवाब देखिए टेनिस क्रिकेट टॉटिन लाइव देखिए, मध्य प्रदेश में भी जाकर बहुत बढ़िया कवरेज किया गया, लेकिन वहाँ कुछ कमेंट्री हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था पुष्पा का जैसे सॉन्ग हम सुन रहे थे ना, ऐसा लग रहा था ऐसे कॉमेंट्री, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा देश ऐसा भेज, जैसा देश में जाओ तो वहाँ उस तरह के भाषा सुनने को मिलता है। ओहो छोटी सी चूक देखिए, ओहो मामा ठाकुर अरुण भी गए और सपना भी भाग गए, अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा। एक आंख मारू तो छह रन, क्या बात है भाई, इस तरह के छह रन आना जैसे विधानसभा का टिकट मिल जाना। तो चलिए यहाँ पर बल्लेबाजों के खाता में जाएगा, देखिए अगर बैट से रन आया है तो फिर ओवर थ्रो बैटर के खाता में जाएगा। ना इतने विचार तो फक्त, तो चलिए अंपायर से ज्यादा बहस नहीं करना है, चलिए हाँ कुछ आपको डाउट फिल पूछ सकते हो। क्या बात है, यहाँ पर चेक किया जाएगा, चलिए वहां पर थोड़ा गेंद जो गया था देखिए बाउंड्री के बाहर पहुंचे थे क्या, यहाँ पर छह रन, क्या रिव्यू लिया जा रहा है यहाँ पर। मुझे तो लगता है कभी कभी ये लोग जाके शादी के मंडप में भी रिव्यू मांग लेंगे। चलिए थोड़ा सा अंपायर रुकिए, कौन सा चलिए जान दे छह तो जाएगा, चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार रहा। ओहो उसके बाद देखिए लेट स्क्वायर कट, वाह रे वाह, ढूंढो रे ढूंढो, क्या बढ़िया बल्लेबाजी, इसे कहते हैं मार दे टांगे वाला दुश्मन।
लाजवाब है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 37 है। सलमान जी नजीब सर देखिए बात करेंगे लगातार, देखिए हर दिन हमें याद कर रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए। और सलमान के अंदाज में देखिए दबंग जैसे गॉगल लगाए हैं, और जब सलमान दादा ने याद किया तो फिर आना जरूरी है, क्योंकि जिस सोनाक्षी को देखिए दबंग पिक्चर में यहाँ पर मौका दिया सलमान ने और सुपरस्टार बन गई, तो उसी तरह से यहाँ पर टोटल की बात करेंगे 38 रन, 38 रन है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से ज्यादा समय मत लीजिए, यहाँ पर अभी देखिए ड्रिंक्स हुआ था फिर से यहाँ पर खिलाड़ी, यहाँ पर गर्मी है निश्चित रूप से समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर समय चाहता है तो फिर शायद मुझे लगता है 8 मैच फिर कंप्लीट होना भी मुश्किल हो जाएगा आज के दिन के ऊपर। तो चलिए बात करेंगे यहां से, चलिए यहाँ पर अगली इनिंग्स में जुड़ेंगे पीयूष बाबरे, फिर उसके बाद हम दोपहर के लंच के बाद जुड़ेंगे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर। तीसरा इनिंग देखिए चलते हुए हमारे, देखिए बात करेंगे वाउंजा के आसिफ भाई के मेहमान, देखिए यहाँ पर मैच का मजा ले रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका निश्चित रूप से, क्योंकि शेरदिल ट्रॉफी में तशरीफ रखे थे जाके वाउंजा पर निश्चित रूप से। और ये चलिए और एक बढ़िया ऑफ ड्राइव है, लेकिन जब तक गेंद को रोक लेते तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज हैं, एक रन बड़ी आसानी के साथ है, और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 39, देखिए 39 रन है, और अभी तक बात करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। ओहो इस बार देखिए बल्ला थोड़ा जल्दी ले लिया, जैसे कहते हैं ना मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फिरा, और ये देखिए नो बॉल फ्रीट नहीं, यहाँ पर एक्शन के ऊपर गेंदबाज का लिया गया फेंकी, शायद फ्री हिट नहीं रहेगा लेकिन नो बॉल रहेगा क्या, फ्री हिट रहेगा निश्चित रूप से, कोई भी नो बॉल लीजिए, दो रनों की पेनल्टी भी यहाँ पर रहेगा, नो बॉल रहेगा और गेंदबाज दूसरा लिया जाएगा। अरे जी करा ले, अंपायर भी करते हैं वो, और पूरी टूर्नामेंट में देखिए गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया, देखिए ऑन फील्ड यहाँ पर अंपायर ने यहाँ पर नई गेंदबाज भी यहाँ से आते हुए, अच्छी वाक देखिए नई गेंदबाज करेंगे, और ये भी देखिए अगर गेंदबाज का एक्शन को पकड़ा जाए उसे गेंदबाजी से बात किया जाए, एक तरफ से तो तकलीफ है दूसरी तरफ से दूसरा खिलाड़ी को मौका भी है, जिस गेंदबाज को मौका ना मिलता है उसे यहाँ से मौका मिल जाएगा, ये भी एक फायदा रहता है, इसलिए कहते हैं ना जिंदगी में ठोकर खाते रहे तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, कुछ चीजें हमें सीखने को भी मिल जाता है। अंतरराष्ट्रीय में भी देखिए कभी कभी कोई खिलाड़ी इंजोरी हो जाता है, दो तीन गेंद छोड़कर चला जाता है, उसका ओवर कवर करते हैं पार्ट टाइम गेंदबाज, और पार्ट टाइम गेंदबाज के लिए यही दिक्कत रहेगा वाइट का हिजाब, लेकिन मौका है भाई, मौका मिला है तो मौके में खड़े हो जाइए। 41 देखिए 41 रन, अभी पेनल्टी भी एड नहीं किया गया है, जब इनिंग का समाप्त हो जाएगा तभी हम दो रन एड कर लेंगे। तैयार यहाँ पर गेंदबाज है, ओहो हवा में गेंद है, यहाँ से फील्डर है गेंद के नीचे, बढ़िया कैच लेकिन फ्री हिट का था गेंद, होता है कभी कभी,
कभी कभी अंपायर भी उंगली उठा देते हैं कभी कभी बोल देते हैं आउट। यही तो क्रिकेट का सोच है। चचवा चिरुन्ना और अजय वाघ बढ़िया गेंदबाजी करते हुए देखिए, भलाई पहला गेंद वाइड डाले लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी करते हुए स्ट्राइक पर हेमंत चंचे। देखिए यहाँ पर भाई क्या बढ़िया गेंदबाजी, यही तो बात का। अगर कोई गेंदबाजी से आपको खराब विकल्प ढूंढना है तो फिर ये अच्छा समय था विकल्प के रूप में। देखिए अजय वाघ, अगर अजय वाघ यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करते ना फिर पूरी मैच में जितना भी है उनको गेंदबाजी मिलेगा निश्चित रूप से। कई सारे देखिए अंतरराष्ट्रीय में भी देखिए अनफिट के ऊपर कई खिलाड़ियों को मौका मिलता है, जिस मौके का पूरा फायदा लेते हैं। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जब मनीष पांडे को मौका मिला था 102 रनों का इनिंग खेल के दिए थे चौथा नंबर के ऊपर। और वही फायदा उन्होंने लिए थे और यहां से देखिए अच्छी वाक को वही फायदा लेना चाहिए। हाँ इस बार देखिए कवर के ऊपर से और अजय वाघ देखिए मिलता हुआ यहाँ पर सफलता। वाह रे वाह, तुझा माया वो भरोसा नहीं था। सुनो तुझा माचा पर भरोसा नहीं क्या, भरोसा दिखाया गया और भरोसा में खड़े उतरते हुए, क्योंकि आपने मेरे हाथों में गेंद नहीं दे रहे थे क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था। अभी मुश्किल में आए तो भरोसा दिखाया, यही बात का भाई। मौका है हीरो बनने का, कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। इसलिए मैं अक्सर खिलाड़ी को कहता हूँ, कई खिलाड़ी ऐसे हैं ग्रामीण में जगह नहीं मिलता है, वाइट का इजाफा कहते हैं संन्यास लेने की सोचना कर देते हैं। कई खिलाड़ी को ग्रामीण में मौका नहीं मिलता है तो दूसरा टीम बना लेते हैं। भाई ये सब चीज करने से पहले मौके का इंतजार कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए गेंदबाजी ना मिला तो नाराज हो जाते हैं कि नहीं मुझे मैच नहीं खेलना है, लेकिन कहते हैं ना तालाब में जब पानी भरता है ना पहले मछलियां चींटी को खाती है, जब वापस सूखता है फिर चींटी मछली को खाती है। यानी मौका सबको मिलता है, इस मौके का इंतजार करना चाहिए। जिस तरह के अजय को देखिए यहाँ पर इंतजार में थे, मौका मिला अजय वाघ को और मौके में देखिए क्या खड़े उतरे भाई। वाह रे वाह, आखिरी ओवर स्लो ओवर में इतना आसान नहीं रहता है। और कुल स्कोर देखिए यहाँ पर फोर्टी सिक्स रन बनाए तो चलिए यहाँ पर वही बात है, क्योंकि गलती जिन्होंने किए हैं सजा उन्हें मिलना चाहिए। अगली मैच में अगर यार्ड किया जाए तो फिर सामने वाला टीम है। तो चलिए यहाँ पर पेनल्टी को देखिए हम ऐड करते हुए 46 प्लस 48 जीत के लिए 49। फूल को खुशबू मिली, कली को बाहर मिला, हम थे जीत के इंतजार में, हमें दो रनों के पेनल्टी मिला। और चलेंगे यहाँ पर आगे की आंखों दिखा हाल सुनने के लिए और अगली मैच उससे पहले टॉस के लिए यहाँ पर पीयूष बाबरे की तरफ चलेंगे और पीयूष बाबरे वहां पर टॉस के साथ कमेंट्री बॉक्स पर जुड़ेंगे। 49 टारगेट हालो। तो कैप्टन उपस्थित झाला, ओपनिंग प्लेयर लवकर मैदानाच्या आत मध्ये।
चला या कैप्टन या धोनी या प्रसाद भाई थोरू यांच्या शुभास टॉस केला जाईल नेक्स्ट मॅच चा। या कैप्टन या हेलो कैप्टन हेलो चला फलंदाज मैदानात आपण रवाना व्हायचे। तर टॉस केला जाईल दोन टीमच्या कॅप्टन मध्ये। नेरल इंडियन्स बनाम नेरल लायन्स टेल इज कॉल अँड टेल काय डिसिजन असेल। फिल्डिंगचा डिसिजन पण तो डिसिजन पायऱ्या खाली उतरल्यानंतर घेतलं। इंटरव्ह्यू स्किप केलाय। टॉस जिंकलाय नेरल लायन्सच्या टीमने आणि फिल्डिंगचा घेतलाय निर्णय। बॅटिंग इथून करावी लागेल नेरल इंडियन्स या टीमला। थँक्यू। हॅलो प्लीज स्टार्ट द मॅच। हॅलो पहिलाच बॉल लागली होती लीड इंगेज टीम कॅप्टनची या ठिकाणी झाले कॅच ड्रॉप। मकरंद दैवलीकर ऑन स्ट्राईक होते पहिलाच बॉल। रामजेत यादव रफ्तार का राजा वेगवान गोलंदाजी या गोलंदाजाची ओळख आणि पहिल्याच बॉलवर झाली आहे या ठिकाणी कॅच ड्रॉप। सुरुवात चांगली नेरल वॉरियर्स टीमच्या वतीने टार्गेट ठेवण्यात आलं 49 49 या धावसंख्येचा। रामजी तयार लॉफ्ट केलाय आता हा थांबणार नाहीये। डाऊन द ग्राउंडचा विस्फोटक फटका बॉल सीमापार षटकार। करंच्या बॅटमधून 6 धावा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न। या विलीस लागली एज बॅट्समन करेल जड पावलाने परतीचा प्रवास। या विलीस कुठली चुकी नाहीये। धक्का क्रमांक पहिला बॅट्समन मकरंद बॅक टू द डगआउट।
थैंक यू डीजे, थैंक यू। विकेट इधर मैदान बाहर तीसरा क्रमांक वरती न्यू बैट्समैन मैदान आत मे अजय वाघ पुढचा बॉल लेट कट के प्रतिम फटका बैट शागदी टू एंड वरती बॉल लागला टप्पा पडल्याच्या नंतर बॉल निघून चालला बाउंड्री पलीकडे आ धावा मिळते इथून चार हा आला चांगला चौकार। ओवर द विकेट शरीरापासून भरपूर दूर चेस करण्याचा प्रयत्न व्हाइट बॉल जे पाठीमागे बसले ब्लॅक स्क्रीन च्या समोर आमच्या कमेंटरी बॉक्स अगदी समोर जे जे छोटे चिमुरडे बसलेत आपण पडदा खेचू नका विनंती असेल आपल्याला। रामजीत यादव बॉलिंग मार्क वरती आलाय बॉल व्हाइट दफलकावरती दावा एक ने पुढे चालली अकरा वेगवान बॉल ऑन साइड ला शॉर्ट मिड विकेट मधून डीप मध्ये शिवम पॉकेट डायनामाइट इधून मिलते एक सिंगल टीम चे धावसंख्या धावन पोचते एक च्या सहाय्याने बारा या धावसंख्येवर। राजा दादा कराळे यांचा वाढदिवस देखील त्यांना देखील एनपीएल च्या माध्यमातून भरपूर साऱ्या शुभेच्छा। बारा धावा पहिले षटक चालू असताना कमेंटरी बॉक्स एंड कडून पहिले कंपल्सरी एंड कडून बॉलिंग करतात रामजीत यादव समोर गेले समोरच्या दिशेने लॉफ्ट केला फटका चांगला क्षेत्ररक्षण चांगले प्रयत्न भरपूर चांगली कमिटमेंट आणि भरपूर चांगले एफर्ट षटक पहिले इथून झालं कंप्लीट आणि पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा आल्यात फलकावरती एक बाद 13 धावा। हॅलो तसे त्या हेमंतदादा निरगुडा यांचा इथं सत्कार केला जाईल तसेच मी प्रसादा थोरवे यांना विनंती करतो आपण त्यांचा सत्कार करायचा आहे हेमंतदादा निरगुडा यांचा। तसेच संकेत दादा खडे यांचा सुद्धा इथं सत्कार करतील आमचे प्रसाद दादा थोरवे यांना विनंती करतोय आपण सुद्धा संकेत दादा खडे यांचा इथं सत्कार करायचा आहे। आपण पाहतोय मायेची शॉल आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। व्हाइट बॉल दफल जाऊन पोचले 14 ऑन स्कोरबोर्ड मॅच मैदानाच्या आतमध्ये नेरल वॉरियर्स बनाम नेरल सुपर जायंट्स या दोन टीम मध्ये संघर्ष चालू आहे। व्हाइट आलाय 14 धावा 24 बॉल आणि विजयासाठी 35 करायच्यात। हेमंत संचालित बॉलिंग मार्क मध्ये दुसरा षटका करदा बॅट्समॅन ऑन स्ट्राइक सुरेश बोडके सर्वांचे लाडके मेजर भरपूर चांगलं व्यक्तिमत्व सर्वांना गाईड करत असतात आणि चांगले खेळाडू देखील। शॉर्ट ऑफ गुड लेन एज लागली होती पाठीमागे बॉल चाललाय कॅच झाली ड्रॉप मिळेल एक सिंगल एकच्या सय्याने धावफलक पुढे चाललाय आणि धावफलक जाऊन पोहोचलाय 15 या धावसंख्येवरती 15 धावा दुसरा षटक
23 बॉल आणि विजयासाठी दावा करायचा 34 हेमंत संचय ओव्हर द विकेट. अजयसाठी पुढचा बॉल वेगवान ओळखलाय लेट कट आउटफील्ड फास्ट आहे बॉल थांबणार नाहीये जाईल सीमा पार बॅकवर्ड थर्ड मॅन रिजनला हा येईल चांगला चौकार. थैंक यू. चार च्या सहाय्याने धावफलक पुढे सायला आणि धावफलक एकंदरीत पुढे फ्लाय होत असताना जाऊन पोहोचले कोणी सावा लॉफ्ट केला चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हरला गॅप मध्ये केले बॉल सीमा पार अजून एक दर्जेदार चौकार. हॅलो तर एच डी एलिव्हेटर्स सर्वे सर्वा हितेशी तात्रक साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. साहेबांना विनंती असेल की आपण सन्मानपूर्वक आमच्या मंचावरती यावं आपलं हार्दिक स्वागत. बॉलवरती सलग तिसऱ्या बॉलवरती दुसरा चौकार अजयच्या बॅटमधून एक लेट कट आणि एक एक्स्ट्रा कव्हरला कव्हर ड्राईव्ह पुढचा बॉल वेगवान शरीरापासून भरपूर दूर चेस करण्याचा प्रयत्न डॉट बॉल लेगस्टिक वरती बॅट्समन खेळत असताना त्याचाच फायदा इथं गोलंदाज हेमंत घेत असताना डॉट बॉलचे सांगता डॉट बॉलची इथं नितांत गरज आहे. बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा जर विचार केला ज्या धावा त्यांना करायच्या होत्या सुरुवातीला त्या धावा जर त्यांनी केल्यात धाव फरक जर थांबवायचा असेल तर विकेट देखील येणं गरजेचं. ब्रेक थ्रू गरज डॉट बॉलची नितांत गरज. पुन्हा एकदा कवसला केल्याचं होतं वेगवान बॉल अपील बॉल इथून येईल डॉट. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस शेवटचा आणि अंतिम बॉल शिल्लक या दुसऱ्या ओव्हर मध्ये दफलकावरती धावा एकूण जाऊन पोहोचल्या 23 धावा 19 बॉल आणि विजयासाठी 26 या धावसंख्येची गरज. निकेश राऊत आमच्या समेत त्याचे स्कोरर आता भरपूरच दूर आहे बॉल व्हाइट बॉल व्हाइट कॉल केलाय आणि धाव फलकावरती 106 टोटल पुढे जाईल आणि 24 फलकावरती 24 19 बॉल आणि 25 गरज. शेवटचा आणि अंतिम बॉल हेमंत संचय बॉलिंग मार्क वरती होईल तयार. वेगवान बॉल स्वीप करायचा होता अतली गाडा लागून बॉल पाठीमागे चालला शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फिल्डिंग होईल एक मिळेल एकच जावी तो मिळेल स्ट्राईक राहील. पुन्हा एकदा अजयकडे दोन ओव्हरचा खेळ चालला कम्प्लीट आणि दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा बनवल्यात 25 विजयासाठी येणारे बॉल असतील 18 आणि धावा करायच्या चिंकण्यासाठी 24. मी सचिन दादा खडे यांना विनंती करतो आपण इथे साहेब दात्रक यांचा सन्मान इथे करायचंय. आपण पाहतोय सचिन दादा खडे यांच्या दात्रक साहेबांचा तिथे सन्मान होतोय.
बॉल डॉट आलाय तिसऱ्या ओव्हरचा खेळ सुरुवात आणि डॉट बॉल निलेश इनारे कुठे असेल तर आमच्या कमेंटरी बॉक्स समोर या. हॅलो गोलंदाज सय्यार शिवम चांगला फटका लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक टप्प्या कर चेंडूची फिल्डिंग होईल एकच मिळेल एक पेक्षा काही मिळणार नाही आणि दफलकावरती एकच्या सय्याने टीम टोटल पुढे जात असताना 26 धावा 23 करायच्या 16 बॉल मध्ये. शिवम तयार डावकरा खेळाडू भरपूर चांगला रायझिंग स्टार समोर गेलेत लॉंग ऑफला एक धाव मात्र नक्कीच मिळेल आणि एकच्या सय्याने टीमची टोटल पुढे जात असताना जाऊन पोहोचली 27 या धावसंख्येवरती 15 बॉल आणि 22 या धावसंख्येची गरज कदाचित मॅच मध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न या षटकामध्ये नेरल वॉरियर्स या टीम कडून होईल कारण 2 पॉवर प्लेचे षटक संपल्याच्या नंतर फुल टॉस आणि ऑन साइड ला बॉल सीमा पार षटकार. इथे कुठेतरी टर्निंग पॉइंट षटक ठरवू शकलं असं. अजून एक फुल टॉस ऑन साइड ला इथे एक तर नक्कीच कंप्लीट केली आहे थोडस मिस्टेक आणि 2 धावा इथून नक्कीच कंप्लीट 2 च्या सय्याने धावफलक पुढे झाला आणि टीमची टोटल पुढे जात असताना जाऊन पोहोचली 35 35 35 धावा 13 बॉल आणि विजयासाठी 14 या धावसंख्येची गरज. लोवर फुल टॉस ऑन साइड ला विध्वंसक फटका बॉल ला उडवले सीमा पार हा धावा मिळतील इथून 6 षटकार. आणि त्यानंतर विजयासाठी करायच्या 8 12 बॉल आणि 8. हॅलो या स्पर्धेसाठी ज्याने बॉल स्पॉन्सर केले ते म्हणजे मातोश्री डायग्नोस्टिक सेंटर नेरळ यांतर्फे बॉल स्पॉन्सर केलेत. मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट डीथी ग्रुप फाउंडेशन नेरळ बिस्लेरी बॉक्स सूरज अप्पा सालवे यांच्याकडनं तसेच थंडा आपण पाहतोय सलमानजी नजे आणि गणेशचंचे यांच्या मार्फत देण्यात येणार आहेत. तसेच विजेत्या संघास जेवणाची मेजवानी असेल ते म्हणजे पाहुणचार हॉटेलमध्ये आणि त्यांचे प्रोप्रायटर आहेत अब्बा साहेब पवार आणि अनिकेत सालुंगे. तसेच डेकोरेटर्स आपण पाहतोय रेशमा मंडप डेकोरेटर्स बाळा भोईर आणि रोशन राणे. गोलंदाज तयार रामजीत वेगवान बॉल लेट कट खेळलेत पॉइंटच्या दिशेने फटका क्षेत्ररक्षक शिवम एक धाव मिळेल 7 करायच्या 11 बॉल मध्ये. लीग स्टेजच्या मॅच मध्ये जर पाहिलं तर प्रत्येक टीमला 4 मॅच केल्याच्या 4 पैकी 3 तरी जिंकण्याचा प्रयत्न असेल. त्यानंतर विचार जर आपण केला 3 मॅच केले सुद्धा संघ बऱ्याच आम्ही बाहेर जाताना देखील पाहिलेत. कुठला तरी संघ असा असेल ज्यांचे 3 पॉईंट टेबल लीड करतील आणि अजून एक लिटकट फटका असं वाटलं होतं. 2 फटके या खेळाडूने खेळल्याच्या नंतर हा नशिबाचा चौकार येतो परंतु हा फटका
एक प्लानिंग नुसार फटका खेलतोय. वेल एक्झिक्युटेड बॉल सीमा पर चौकार. रामजी तैयार. तीन ची गरज. समोर केले वेगवान चेंडू होता. प्रति उत्तर दिला शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला एक धाव. दोन ची गरज आहे नऊ बॉल मध्ये. नऊ बॉल आणि विजयासाठी दोन धावा. पेनल्टीचा दोन धावा जॉईन झाल्या होत्या त्या दोन धावा आता इथून कव्हर करायच्या. विजयासाठी दोन ची गरज. रामजी तैयार. वेगवान चेंडू लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न. एज लागली का. बॅट्समन इथून आउट. ऑफिशियलच्या निर्णयाचा मी नक्कीच वाट पाहत होते. ऑफिशियलने सांगितलं की कॉट बियांच्या स्वरूपामध्ये बॅट्समन बोडके सर मात्र बाद. झाली ड्रॉप. एक धाव पुन्हा एकदा जॉईन. आता विजयासाठी करायचे फक्त आणि फक्त एक धाव. मॅच तर आतापर्यंत बरोबरी झाली. आता विजयाची एक धाव नोंदवायची. अजय. अजयचा विचार केला इंडिव्हिज्युअल स्कोरचा तर त्याने आतापर्यंत 14 बॉल फेस केला आणि 14 बॉल मध्ये तब्बल 34 बनवल्यात. चार चौकार आणि दोन षटकार हे देखील त्याच्या इंडिव्हिज्युअल इनिंग मध्ये इन्क्लूड. चांगले बॅटिंग चांगला परफॉर्मन्स. एक ची गरज असताना आणि मुक्याच्या वेळी घंटा वाजत असताना पुन्हा एकदा लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल आतमध्ये आला आणि विकेट येईल मैदानाच्या बाहेर. आता विजयासाठी एक ची गरज म्हणून आता हरेश करायला चाललाय. जास्त रन असता तर दुसरा कोणाला तरी पाठवला असता. एक ची गरज आहे. हॅलो. चला फास्ट केला. एक ची गरज आहे. सहा बॉल आणि विजयासाठी एक धाव संख्येची गरज. सहा बॉल एक कम बॅक. इथे होईल का. पहिलाच बॉल अकोट टप्प्याचा क्षेत्र मोकलाय. भाऊ चेंडूच्या खाली पोचेपर्यंत चौकार. विजय चौकार आलाय बॅट्समन हरीशच्या बॅट मधून. सिगरेट दर.